अलाख निरंजन है कोई जो इस साधु को भीख दे दे, दो चुकती चून मैं भीख के द्वारा लेना चाहता हूँ। हे भाई गोपीचंद, आज आपने ये भगवा बाणा, ये संतों का बाणा क्यों पहन रखा है, इसे उतारो। जब चंद्रावल तुझे पता है कि मैंने संतों का बाणा, ये भगवा बाणा धारण कर लिया है, तो मैं इसे कैसे उतार सकता हूँ। अब मैं अपने गुरु का हो चुका हूँ, उस परमात्मा में लीन रहता हूँ। मेरा काम है कि मैं हर दरवाजे से दो चुकती चून लेकर के आगे बढ़ता चलूं। हे भाई, तेरे बिना तो ये राजपाट राजधानी सारी ही अधूरी है, और घर में 16 रानी और 12 कन्या है, उनका आदर सम्मान कौन करेगा। चंद्रावल, जिसका कोई भाई नहीं हुआ करता, जिसका कोई बाप नहीं हुआ करता, उसे वो परमात्मा रखता है। अब मैं फकीर बन चुका हूँ, मुझे पता है कि मेरी 16 रानी थी, 12 कन्या थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जोग धारण कराया है। अच्छा। अब मैं अपने गुरु का चेला बन चुका हूँ। सुनिए मेरी बात, सुना दे क्या कहना चाहती है।
छोड़ी के विपता पड़ी भारी, उस परमेश्वर का भजन करूं नौजवानों के दिलों की धड़कन, बड़े ही कर्मठ ईमानदार जुझारू नेता हमारे बीजेपी समाज के, बीजेपी सरकार के वरिष्ठ नेता, बड़े ही उच्च कोटि के समाज सेवी आदरणीय रूप सिंह नागर जी तिगाम से वो आपके बीच में पधारे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैं बाबूजी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाए आदरणीय रूप सिंह नागर जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आदरणीय रूप सिंह नागर जी आपके बीच में हैं, पूरे समाज और बस्ती की तरफ से इनका धन्यवाद करना है, एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस रागनी पे खुश होकर के भाई 2100 रुपए पहले और 200 रुपए फिर से आदरणीय ठाकुर लाल सरपंच जी मधावली से इस रागनी पे खुश होकर के देते, बार बार धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए आदरणीय देसी मेंबर जी वो भी इस रागनी पे खुश होकर के देते, बार बार धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए 500 रुपए आदरणीय आशी पंडित जी खेड़ी कला से वो भी इस रागनी पे खुश होकर के 500 रुपए देते, बार बार धन्यवाद करते हैं। मेहरबानो तीसरी कली में किस तरह से योगी बने गोपी चंद से उसकी बहन चंद्रावल किस तरह से ताना मारने लगी, कहने लगी ए भैया तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरी 16 रानी 12 कन्या एक माँ और पूरा राजपाट जिसमें तू ठोकर मार करके फकीरी बाना तूने धारण कर लिया, तुझे वो संभालना चाहिए, किस तरह से बहन चंद्रावल कहती है और क्या गोपी चंद जवाब देता है, आइए सर के बताए वाला। अरे किस तारिया से रह जा से तेरी घर में सोला कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सारे प्राणी, ओ दिखे सुख दुख सारे प्राणी, और झाल बदन की टटती गोना चढ़ती उमर जवानी, और सही और साधना से सब मिट जाती परेशानी, ओ सब मिट जाती परेशानी, और इसी ते भारी के विपता मने क्यों इतना तड़पाया,
भिखारी बना डोलता है, लेकिन मैं अपने पीहर के लिए जाऊंगी, मेरा आदर मान वहाँ कौन करेगा, और तेरे घर में 12 कन्या हैं, उनका कन्यादान कौन करेगा। बाबली तुझे पता होना चाहिए, मैंने पहले भी तुझसे कहा है कि जिसके भाई नहीं होया करते, जिनके पिता नहीं होया करते, माँ बाप नहीं होया करते, वो इस ईश्वर के भरोसे होया करते हैं। 12 कन्याओं का भात भी भरा जाएगा, उनकी स्वाति भी होगी, माँ भी रहेगी, राजपाट भी चलेगा और 16 रानी भी रहेंगी, लेकिन सबका रखवाला वो परम पिता परमात्मा है, जो उसका ध्यान करेगा सब कुछ सही होता चले जाएगा। अपनी बात को कहते और मेरी बात को सुन ले, आइए इस रागनी पे खुश होकर के आदरणीय जो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, हमारे दादा आदरणीय रवि दत्त शर्मा जी पन्हेड़ा से 101 रुपए से अपना आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, और 101 रुपए आदरणीय सुरेंद्र सरपंच जी बहोरा होराली से वो भी 101 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, और आदरणीय बीजेपी सरकार के वरिष्ठ नेता इस 84 के उगते हुए सितारे आदरणीय भाई राजेश नागर सनोप श्री रूप सिंह नागर जी 1100 रुपए इस रागनी पे खुश होकर के देते, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। लास्ट बात में के बताया बोला सुनिए, कुने आदर मान करेगा और धीराज दौरे ले बहने लाडली हरी हर तेरा ध्यान करेगा, हरी हर तेरा ध्यान करेगा, और 12 कन्या पीहर में कुने कन्या दान करेगा, दिक सब का मालिक रखवाला रक्षा भगवान करेगा, ओ रक्षा भगवान करेगा, और हे बहुत बहुत धन्यवाद।